नमस्कार, आप देख रहे हैं KAM न्यूज। ओवैसी का हमला, कहा मोहन भागवत और RSS वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में भी तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने देश की आजादी में कुछ भी नहीं किया है। और क्या क्या उन्होंने कहा है देखिए। मोहन भागवत और RSS वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। इस देश की आजादी में जो काम मौलाना आजाद ने किया, अब बताओ इस तकरीर पर क्या बोलेंगे RSS वालों? बताओ टीवी के स्टूडियो में RSS का नकाब पहनकर RSS की तर्जुमानी करने वाले एंकर, बोलो इस तकरीर पर तुम क्या बोलोगे? क्या इसमें क्या कहा गया है? इस्लाम इस मुल्क का टूट हिस्सा था और है और रहेगा। जिस तरह हिंदू भाइयों को इस मुल्क पर हक हासिल है, उसी तरह मुसलमानों को भी इस मुल्क पर हक हासिल है। जिस तरह दलितों को इस मुल्क पर हक हासिल है, जिस तरह से हमारे आदिवासियों को, अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहां पर? ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये RSS वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदि हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है, मगर नहीं, इल्जाम मुसलमानों पर लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन लोगों से सिर्फ यही कहूंगा, RSS के लोगों से, हमारे मुंह को मत लगो। आप अगर मुसलमानों के बारे में कहेंगे गलत बात कहेंगे, यानी मैं मोहन भगवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं, मुझे मोहन भगवत RSS वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कि RSS मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं कहां से ना पढ़ूं, कि RSS मुझे बताएगी कि क्या बोलूं ना बोलूं, तो फिर मेरे आलिम दीन क्या करेंगे, मुहद्दिस क्या करेंगे, मुफ्ती क्या करेगा, फिक्र के मसाइल कौन बयान करेगा? क्या तुम फिक्र के मसाइल बयान करोगे? हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। हम दीन को नहीं छोड़ने वाले हैं, दीन से जुड़े रहेंगे और भारत की हिफाजत करते थे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए देखते रहें KAM न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।